हेलो मेंबर्स, अब देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस करने वाले जो आज बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ है, जैसे कि स्वान एनर्जी का स्टॉक जो 18% फॉल हुआ है। देखो मार्केट में आप बोलोगे सर क्या नेगेटिव न्यूज है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं बताना चाहूंगा डेफिनेटली कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज नहीं है कि भाई स्टॉक इतना ज्यादा गिरे, जैसे कि स्वान एनर्जी हो गया, इन्फीबीम हो गया या पतंजलि हो, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है, हल्की फुल्की न्यूज है और वो भी बहुत सारी न्यूज तो ऐसी है पॉजिटिव साइड की, लेकिन स्टिल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये देखो ये जो सभी साइंस होते हैं ना, इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका लॉस बढ़ सकता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारे स्टॉक में क्या करना है, मान लो अगर फंस गए हैं तो क्या कर सकते हैं, कहां पे सपोर्ट है, वो सभी चीजें बताऊंगा। स्टिल कोई डाउट रहता है कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, एंड देखो मैं ज्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पे ही कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जरूर आ जाए। और लेकिन बताना जरूर चाहूंगा, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और आज के दिन के अंदर 2 वीडियोस आ चुके होंगे, स्मॉल कैप फॉल किए और कितने फॉल करने वाले हैं, इन्फ्लेशन का डेटा, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई है। और नया जो आईपीओ है आर के स्वामी, ठीक है, उसकी खराब लिस्टिंग है, स्टॉक कहां तक जा सकता है वो डिटेल बताई है। और हाँ, नए जितने भी आईपीओ आने वाले हैं, गोपाल स्नैक या एबीसी, जितने भी आईपीओ, उसमें क्या करना चाहिए प्योर अपडेट करने की कोशिश की। एक बार जाके देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, देखो 7 मिनट का वीडियो है, मैं लंबा नहीं खींचता, देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर मैं पहले बात करने जाऊं पैसा लो डिजिटल, ठीक है, कहां पे स्टॉक है, यहां पे स्टॉक है, स्टॉक 20% की सर्किट, एक टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक था, यहां पे स्टॉक ने क्लियर कट ब्रेकआउट बताया था। अब सडनली हुआ क्या कि स्टॉक नीचे चला गया, तो मार्केट में एक न्यूज आई है, ठीक है, क्या न्यूज है वो सुन लो पहले। स्टॉक फॉल हुआ 20%, उसका रीजन यहां पे है। देखो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पे एक ऑर्डर जारी किया है कि भाई आप यहां पे अनफेयर लेंडिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनफेयर लेंडिंग प्रैक्टिस यानी कि क्या, कि कंपनी जो लोन बांटती है, लोन ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो काफी हाई है और कुछ हिडन इंटरेस्ट भी यहाँ पे चार्ज करती है, वो जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्वेशन ऑफ चार्जिंग हाई इंटरेस्ट पर एनम ऑन लोन्स, यानी कि कुछ जो अनुमान होते हैं कि भाई इतना ही इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, जो पेपर वर्क होते हैं उससे ज्यादा यहाँ पे चार्ज किया है पर्टिकुलर कंपनी पैसा लो डिजिटल है। ठीक है, जो प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना एनबीएफसी, उनकी जो प्रैक्टिस होती है उसके खिलाफ जा रहा है, एक रूल्स होते हैं सेबी के उसको खिलाफ जा रहा है, माफ कीजिएगा आरबीआई के रूल्स के खिलाफ यहाँ पे पैसा लो डिजिटल जाता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब ये जो भी न्यूज है, जहां तक मेरा अंदाजा है ये न्यूज यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट के जरिए है। ठीक है, मैं ये क्यों बोलूं कि ये न्यूज रिपोर्ट के जरिए है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बताया है फैसलों के लिए कि भाई अब अनफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रीजन यहाँ पे है। सी, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल अभी पढ़ा है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट सेकेंड मेंबर्स बताना चाहूंगा कहाँ पे गया। सी एक सेकेंड, देखो यहाँ पे, ठीक है, 6 घंटे पहले यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है कि कंपनी ने कंफर्म किया है कि ऐसा कोई ऑर्डर आता हुआ नहीं दिखाई दिया कि जो यहाँ पे ये बोले कि हम लोग ने यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग की है लैंडिंग, यानी कि जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां पाई गई है और कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हुई दिखाई दी है, ऐसा कोई भी ऑर्डर आता हुआ डायरेक्टली नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, कंपनी ने क्लैरिफाई किया, स्टिल ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो हमेशा ध्यान में ये रखेगा कि मार्केट में न्यूज बहुत सारे लोग इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं और ये मैनिपुलेशन समहाउ रोकना चाहिए, लेकिन सेबी क्या करती है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। ठीक है, मैनिपुलेशन कोई रोकना नहीं चाहता। ठीक है, ये क्यों करते हैं वो भी समझ में नहीं आता। अब देखो मार्क, मैं आपको सिंपल बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ न्यूज चैनल्स देखी होगी, मैं नाम नहीं लूंगा डेफिनेटली। न्यूज चैनल्स में क्या बताते हैं मॉर्निंग में कि भाई आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, वो स्टॉक लेना चाहिए, आज ऊपर जाएगा, ठीक है, वो नीचे जाएगा। होता क्या है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि वो लोग स्टॉक पहले ले लेते हैं, उसके बाद न्यूज में बोलते हैं और बाद में वॉल्यूम जनरेट होते हैं और वो लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल्स होता है ना उसमें काफी लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं क्योंकि उनको पैसा दिखता है। ठीक है, पैसा दिखता है, उनको पता है कि इजीली पैसा हम लोग कमा सकते हैं, तो ऐसा मैनिपुलेट क्यों ना करें, आई बात समझ में। और इसी की वजह से यहां पे लोग क्या करते हैं, जिनके पास ऑथोरिटी होती है कि भाई हम लोग न्यूज मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम लोग स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, सेबी कुछ नहीं करती। ठीक है, सेबी किसको पकड़ती है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, आई बात समझ में। तो इसके अच्छा आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो मैनिपुलेशंस होती है काफी आपको केयरफुल लेना पड़ता है, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आए तो शॉर्ट टर्म का व्यू होता है तो आपको एग्जिट का ही पहले बटन दबाना चाहिए। ठीक है, क्यों क्या पता कि यहाँ पे स्टॉक और ज्यादा गिर जाए। ठीक है, तो ये न्यूज नेगेटिव है। अगर बात करें सर सपोर्ट कहां पे, तो अभी के लिए कोई सपोर्ट नहीं है स्टॉक का। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्लियर कट 120 का है, अगर 140 ब्रेक हुआ तो 120 110 तक आ सकता है स्टॉक, यहां पे फाइनल सपोर्ट ले सकता है। फिर उसके बाद पूछेगा सर क्या एवरेज कर सकते, तो नहीं। अभी देखो ध्यान से सुनेगा, मार्केट में अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है अभी एवरेज का सोचिएगा भी मत, ठीक है। ऐसा हो तो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट करने की कोशिश करूंगा, या आप पहले करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आप ये समझो कि अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, ठीक है, अभी भी चल रही है। पहले इसको सपोर्ट लेने दो, सपोर्ट लेने के बाद हम लोग एवरेज का सोचेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि स्टॉक कल ही यहाँ पे रातों रात 180-90 तक आ जाएगा, ठीक है, आने के लिए आ सकते हैं लेकिन चांसेस ना के बराबर है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी कुछ मत कीजिएगा स्टॉक के अंदर, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और चल सकती है। ओके, तो होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। बात करने जाए सेकंड पॉइंट, स्वान एनर्जी। अब देखो स्वान एनर्जी 18% फॉलो है। सर कोई रीजन मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला है मुझे कॉमेंट कर देना। उल्टा यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आई है। क्या न्यूज है देखो सुनो, स्वान एनर्जी ने यहाँ पे जो लोन लिया था वो 2206 करोड़ का लोन था, वो ऑलरेडी चुका दिया है विद इंटरेस्ट के साथ बैंक को, और कंपनी उल्टा यहाँ पे इंटरेस्ट में सेव करेगी और इनका बैलेंस शीट काफी तक स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है, और कंपनी री रेटिंग हो सकती है। री रेटिंग यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, कंपनी और ऊपर जा सकती है। उसके अलावा अगर आप बात करें जो आज ही की न्यूज आती हुई दिखाई दी कि म्यूचुअल फंड ने स्वान एनर्जी को बाय किया है। किसने? म्यूचुअल फंड ने, आज ही की न्यूज है। और उसमें कितना बाय किया है तो आप यहां पर देखो, सी पहले म्यूचुअल फंड ने बाय किया था करीब करीब यहाँ पे मिलियन के अंदर है, तो 17.9 मिलियन, माफ कीजिएगा पहले था 5 मिलियन अभी 17 मिलियन हो चुके हैं, तो करीब 12 मिलियन का यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे। जो इंटरेस्ट जो परसेंट में कंसीडर करने जाए तो 9.5% का कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा बल्क में स्वान एनर्जी बाय की है, और वो आज ही डेटा आते हुए दिखाई दिए। ये फॉर मी नॉट रॉन्ग लाइव मार्केट में आया है, लेकिन स्टील बंदा नीचे जा रहा है, क्रैश हो रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, स्मॉल एंड मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो थोड़ा केयरफुल रहना है जिनके पास भी ये स्टॉक है। अभी के लिए अगर बात करें जैसे सर कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसने जो इंट्राडे में 18% का फॉल है वो क्लियर बोल रहा है कि मैं और गिरने वाला हूं। क्या बोल रहा है? मैं और गिरने वाला हूं। यहां पे तो जस्ट सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना। स्टॉक में जो गिरावट है ऐसा लग रहा है कि 500 को टेस्ट करेगा ही करेगा, पक्का करेगा ये स्टॉक, लेकिन 400 आएगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। तो 500 से 400 के बीच में स्टॉक का सपोर्ट है। अब देखना पड़ेगा कि स्टॉक कहां पे सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये मत सोचिएगा इंस्टेंटली पुल बैक कर लेगा, ये टाइम लेगा। टाइम कितना लेगा? 1 महीना भी ले सकते हैं, 2 महीना भी, या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अभी स्टॉक को। ओके, तो डायरेक्टली एवरेज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप बोलते हैं ना फॉलिंग नाइफ, डीप में और डीप जा सकता है। अब मान लो यहाँ पे कल पुल बैक कर गया, मान लो कल मिड कैप्स में रिकवरी आ गई, जैसे कि डाउ जोन्स में है तो मिड कैप में रिकवरी आ गई, आप यहाँ पे एवरेज करोगे, उसके बाद वापस गिर गया तो क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? स्टॉक वापस 500 आ गया तो उल्टा जो मेन अमाउंट था वो भी गया, एवरेज था वो भी गया। अब बाद में आप कितना एवरेज करोगे? जैसे कि आपने यस बैंक देखा होगा, 300 का स्टॉक 15 रुपए आ चुका था, अब लोग एवरेज करके करके कितना करेंगे? तो स्टॉक को स्टेबल होने दो। क्या? कोई भी स्टॉक एवरेज करो, स्टेबल होने दो, वरना फंसोगे। सीरियस नोट पे बोलूंगा, फंसोगे। तो थोड़ा केयरफुल है ना, वेट एंड वॉच करना। उसके अलावा इन्फीबीम्स की बात करने जाए तो इन्फीबीम भी आज यहाँ पे 9% फॉल करता हुआ दिखाई दिया है ब्लॉक डील की वजह से। देखो इन्फीबीम स्टॉक में न्यूज आ रही थी। अब पूछो सर स्टॉक में तो न्यूज आ रही है कि स्टॉक को नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी देखा था ना 1-2 दिन पहले, तो ऐसा क्या हुआ कि इन्फीबीम फॉल कर गया? तो देखो न्यूज आती है ना फॉलिंग मार्केट में, ठीक है, तो स्टॉक को सिर्फ एक ब्रेकआउट बताने के लिए कि भाई हमें ब्रेकआउट कर रहा हूं, उसके बाद वो वापस फॉल्स ब्रेकआउट कर जाता है, तो ये खींचने के लिए होता है। तो अगर कोई भी पैनी स्टॉक आपके पास हो और निफ्टी और मिड कैप्स में फॉल हो, और स्पेशली स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा फॉल हो, तो पैनी स्टॉक में तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिएगा भी मत, ठीक है। और मान लो आपने कर ली तो एग्जिट का ही सोचेगा, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो एग्जिट का सोचेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, मैंने एग्जिट कर लिया, जैसी न्यूज आई स्टॉक में वापस ऊपर मोमेंटम आई, मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो हमेशा याद ये रखिएगा कि अगर स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे तो आपको सबसे पहले पैनी स्टॉक में एग्जिट करना है। आप बोलोगे सर ये तो 6% ऊपर है, 9% ऊपर है, भाई रातों रात फॉल कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा गोदरेज फिलिप्स, ठीक है। यस्टरडे आप देखो गोदरेज फिलिप्स 12-13% ऊपर था, ठीक है। मैं बीटीएसटी भी करने वाला था, मुझे बहुत सारे बोल रहे थे सर आप बीटीएसटी करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बीटीएसटी मेरे शेयर्स करता हूँ, आई एम श्योर आपको याद होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। और आप देखो आज ये गैपडाउन ओपन हुआ और स्टॉक सीधा 10% नीचे गिर गया, ठीक है। अब मान लो मैं होल्ड करके चला जाता तो कि भाई मैं ये गैपडाउन ओपन हुआ रिकवर हो जाएगा और ये स्टॉक 10% और चला गया नीचे, तो उल्टा स्टक हो जाते। क्या स्टक हो जाते? तो आप पूछो कि सर ये ऊपर जा रहे हैं मैं एंट्री करूं, नहीं, ऐसा करोगे पागल हो जाओगे, फंस जाओगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वर्स्ट है, तो कुछ भी छेड़ो मत, ठीक है? भले जियो फाइनेंस ऊपर हो, कुछ मत छेड़ो स्टॉक को, क्लियर? तो ये स्टॉक और गिरने वाला है। इन्फीबीम मुझे लगता है ये 32 तक आएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना, केयरफुल रहना, स्टॉक वहां पे सपोर्ट ले सकता है। उसके अलावा अगर बात करें जाए तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स और है, वो है यहाँ पे पतंजलि एंड हुडको। तो मैं पतंजलि यहाँ पे लेना चाहूंगा सी। पतंजलि यहाँ पे है, स्टॉक में क्लियर कट ब्रेकडाउन आ चुका है। मैंने आपको बताया था, 2-4 वीडियो में वार्न किया था कि मैं पतंजलि से एग्जिट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे वार्न आई एम श्योर आप लोगों को किया था, ठीक है? मैं एग्जिट करने वाला हूँ, मैं एग्जिट करने वाला हूँ। उसके बाद देखो स्टॉक में जो गिरावट आई है 1300 तक आता हुआ दिखाई दिया। अब ये स्टॉक में ब्रेकडाउन है, अगर कोई पूछे सर मैं फंसा हुआ हूँ, तो पैनिक करने की अभी मुझे नहीं लगता जरूरत है, और वैसे भी स्टॉक क्वालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक 1200 से 1300 आ सकता है। अभी 1377 है, पतंजलि 1200 तक आ सकता है। तो एक बार आ जाए वहां पे सपोर्ट ले, वहां पे एवरेज का सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वेट एंड वॉच, ठीक है? कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अभी प्रॉफिट बुकिंग की है। सेम चीज है हुडको के अंदर। हुडको यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है। हुडको शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा लगता है 160 तक आएगा, और ये क्लियर कट शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन है, तो 160 आ सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेना जरूर चाहिए हुडको को, ठीक है? और अगर सपोर्ट ले लेगा तो इलेक्शंस के बाद मोमेंटम हो सकती है, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो थोड़ा केयरफुल लेना, क्लियर? तो होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। और स्टील आपने मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे, जाके देखिएगा, क्या पता शायद आप लोगों को काम आ जाए। और अगर टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा जरूर। और अगर कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स, एंजल, पेटीएम, कोई भी एक में। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।